नमस्कार, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से कुछ अपडेट हम आपको हांसी के लिए दिए देते हैं। ठंड का प्रकोप बराबर जारी है, खून जमा देने वाली और हार्ट कपा देने वाली ठंड बाकायदा जारी है और टेम्परेचर रात का हिसार का अगर हम आंकें तो माइनस में चला गया है। विजिबिलिटी भी कम और आज कुछ बारिश हुई, लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक स्कूल बस को एक रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी, जिसमें 8 बच्चे घायल हो गए। यह हादसा हिसार दिल्ली मार्ग पर हुआ। हांसी से दिल्ली की ओर 10 किलोमीटर के पास एक निजी स्कूल की बस जब बच्चों को उतार रही थी तो पीछे से फतेहाबाद रोडवेज की बस ने उसे टक्कर दे मारी, हिट कर दिया, जिससे बस पलट गई और उसमें सवार 8 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में लाया गया, जिन्हें चोटें आई और फर्स्ट एड के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया। पुलिस रोडवेज बस चालक व परिचालक से पूछताछ कर रही है और मामले में कार्रवाई कर रही है। वहीं हम आपको कोरोना से संबंधित, वायरस से संबंधित कुछ यानी कि राहत भरी खबर भी अपडेट किए देते हैं। जैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने एक कोविशील्ड वैक्सीन का इजाद किया, निर्माण किया, वहीं केंद्र सरकार ने भी इसको हरी झंडी दे दी और हरी झंडी देने के बाद आज 121 जिलों में 260 जगह इसकी मॉक ड्रिल की गई और इसे मॉक ड्रिल के बाद इसे औषधि नियंत्रक इसे अप्रूवल देंगे और यह वैक्सीन अप्रूव कर दी गई है केंद्रीय। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को यानी कि यह वैक्सीन फ्री दी जाएगी और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन फ्री दी जाएगी। 27 करोड़ बुजुर्गों को फ्री देने पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। कोरोना से संबंधित और हम आपको खबर दिए देते हैं हिसार जिले की। हिसार जिले में कल मात्र 1 केस आया, जिससे बड़ी राहत मिली है। अब यानी कि हिसार जिले में कुल एक्टिव केसेस 87 हो चुके हैं और वहीं डेथ का आंकड़ा 316 का हो गया है। 16,890 जब से कोरोना का प्रकोप हुआ है केसेस आ चुके हैं। हांसी की राहत भरी खबर हम दिए देते हैं कि हांसी में कल एक भी केस नहीं आया और मात्र 1 संक्रमित यानी जिसे कहें कि एक्टिव केस रह गया है और कुल 1266 केसेस जब से कोरोना का प्रकोप हुआ है आए हैं और डेथ का आंकड़ा वही 39 पर है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं यानी कि हांसी को पूरा जिला बनाने को लेकर रामनिवास फौजी ने यानी कि हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति ने फिर से धरना 1 जनवरी से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं त्रिमूर्ति चौक पर। आज धरने का दूसरा दिन है। बता दें कि प्रदेश में कुल 22 जिले हैं, सबसे बाद में चरखी दादरी जिला बना, तब से लेकर अब तक यानी कि कई बार रामनिवास फौजी की संघर्ष समिति व अन्य संगठन हांसी को पूर्ण जिला बनाने के लिए कई बार अनशन धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और 1 जनवरी से फिर से रामनिवास फौजी ने अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह अपडेट हम आपको दे रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक हांसी को पूर्ण जिला नहीं बना दिया जाएगा तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। देखते रहिए हांसी की आवाज़। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ, नमस्कार दोस्तों।